जी नसरीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। और जैसा कि हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे और हमारे साथ बहुत ही मोहतरम और मौज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं जिनका तारुफ आपसे अली भाई करवाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म है कि हमारी गुफ्तगू सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ऊपर हो रही है और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज जिस मौज़ज़ मेहमान शख्सियत का इंतखाब किया है, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मरकज़ी रहनुमा MWM कायद शियान पाकिस्तान जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, मेरी तरफ से भी आपको और आपके तमाम नाज़रीन को सलामत है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क़िबला, एक अजीब व गरीब जो है वो सूरत हाल देखने में आ रही है। थोड़ी सी पहले सियासी गुफ्तगू कर लें और उसके बाद जो है वो बढ़ेंगे आगे गुफ्तगू को लेकर कि जो मुमलिकत खुदादाद इस्लाम के नाम पर हासिल की गई थी वहाँ पर तहफ़ नामोस रसालत के ऊपर धरने हो रहे हैं। क्यों मुसलमानों के बीच में रहते हुए मुसलमानों को क्यों जो है वो इन अकीदों को बचाने के लिए रोडों पर निकलना पड़ा, क्या वजूहात क्या हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ममलकत खुदादाद है, अल्लाह का दिया हुआ मुल्क है और दुनिया के नक्शे पर पहला इस्लामी जम्हूरिया है। लेकिन मौजूदा जो कैपिटलिज्म का हाकिम निजाम है पूरी दुनिया के अंदर, उसके जाविये से अगर आप देखें तो इससे जो है दीन, यानी दूसरे लफ्जों में इस्लाम, पूरी दुनिया के अंदर एक चैलेंज है उन तमाम ताकतों के लिए जिनके इंसानी नहीं बल्कि इस्तेमारी और ताहूती अहदाफ है। इस वाले से जो ताहूती ममालिक है उनकी पूरी कोशिश यह है कि दीन को माशरे से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उनकी निगाह में दीन ही है जो उनके ताहूती निजाम को चैलेंज करता है, उनके अहदाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। और अदियान में भी सिर्फ इस्लाम है जो ये काम कर सकता है। इस एतबार से अगर आप गुज़श्ता 30-40 सालों का जायजा लें तो आपको ये नजर आएगा कि बार बार अमरीका में भी, यूरोप के अंदर भी, बार दूसरे ममालिक में भी इस्लाम की तोहीन को बाकायदा एक मूवमेंट की शक्ल दी गई है और इस्लामी अकदार और वैल्यूज को पामाल करने का एक हदफ और टारगेट तय किया गया है जिसके तहत लोगों को दीन से दूर किया जा सके और दीन के हवाले से और इस्लामी अकदार के हवाले से लोगों के दिलों दिमाग में नफरत पैदा की जा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन में, कुरान करीम की तोहीन में जितनी एक्टिविटीज गुज़श्ता सालों में आपने देखी, चाहे वो टेरी जोन्स की सूरत में हो चाहे किसी और सूरत में, तो वो इसी बात की दलालत करती हैं और इस बात की अलामत है। जब हम इस एतबार से देखते हैं तो हमें ये भी नजर आता है कि ये जो इस वक्त साम्राज्य निजाम दुनिया पर हाकिम है उसका जो सबसे बड़ा हथियार है वो यही है कि दूसरे दर्जे के ममालिक और तीसरी दुनिया के ममालिक को वो अपने इक्तसादी पावर और अपनी इमदाद और इस तरह की दीगर चीजों की बुनियाद पर अपना असीर बनाते हैं और अपने मकासद के लिए उन हुक्मरानों को इस्तेमाल करते हैं जो तीसरी दुनिया के अंदर उस निजाम का हिस्सा है। पाकिस्तान उसी का हिस्सा है, लिहाजा पाकिस्तान में अगरचे मुसलमानों की तादाद 98% से ऊपर है लेकिन अमली तौर पर जो निजाम है उस निजाम की बुनियाद अंग्रेज का कानून है। और इस वक्त की जो मुसलसल कोशिश हो रही है वो यही हो रही है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की जो इस्लामी शनाख्त है उसको खत्म किया जाए, इस्लामी वैल्यूज का खात्मा किया जाए। लिहाजा अगर आप 30 साल 35 साल पहले के पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान का तकाबुली मुताला करें तो आपको आसमान जमीन का फर्क नजर आएगा माशरती वैल्यूज के वाले से, लोगों की तरबियत के वाले से, अखलाक के वाले से,
اسی طرح سے نظام تعلیم کے حوالے سے، نصاب تعلیم کے حوالے سے، تربیتی اور کلچرل مراکز کے حوالے سے، تہذیبی رویوں کے حوالے سے آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا. یہی کام، یہی فرق آپ کو میڈیا کی سطح پر بھی نظر آئے گا کہ 30 سال پہلے 40 سال پہلے ظاہر ہے اس طرح کا میڈیا نہیں تھا، اور آج ایک بھرپور میڈیا ہے جس کو پوری طرح سے آزادی ہے، اور اس آزادی کا استعمال وہ یوں کرتے ہیں کہ مغربی کلچر اور تہذیب کو اس مشرقی معاشرے کی روایات کے برخلاف اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور مشرقی روایات کو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے نکال کر دفن کرتے ہیں. یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے. جب ہم قادیانیت کی تاریخ دیکھتے ہیں تو قادیانیت کی تاریخ اور بہائیت کی تاریخ دونوں ایک ہی تاریخ ہے. اس کے پیچھے انگریز اور استعمار اور MI6 کی پوری انوالومنٹ ہے. جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ کو آج کی دنیا میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ چاہے بہائیت کا مسئلہ ہو چاہے قادیانیت کا، جہاں پر ان کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچتا ہو وہاں پر پورا یورپ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، مغربی دنیا اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جبکہ انسانی اقدار اور اسلامی اقدار کو چاہے زندہ درگور کر دیا جائے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو پاکستان کے اندر بھی یہ جو مسئلہ اٹھا ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کا، تو اس کا پس منظر اسی قادیانیت کے حوالے سے ہے. چونکہ قادیانیت کا رستہ روکنے کے لیے 70 کی دہائی میں قانون سازی کی گئی، اور اس قانون سازی کے تحت پاکستان کے اندر قادیانیت کو اقلیت قرار دیا گیا، اور اس اقلیت قرار دیے جانے کے نتیجے میں اب اگر کوئی شخص انتخابات میں حصہ لینا چاہے یا ووٹ ڈالنا چاہے تو دونوں صورتوں میں اس کا قادیانی ہونا جو ہے وہ اس کی آئیڈینٹیٹی تھی. اس دفعہ جب نواز شریف کی حکومت نے قانون میں تبدیلی کی تو اس میں انہوں نے یہی شرارت کی کہ اس آئیڈینٹیٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اس سے بنیادی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ نواز شریف کو یا نون لیگ کی حکومت کو وہ کون سی مشکل درپیش تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ تو جواب اس کا بالکل سمپل اور واضح ہے کہ مسئلہ نون لیگ کو یہ درپیش تھا کہ جو داخلی صورتحال ہے اس داخلی صورتحال میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا جا چکا تھا، اس کو وہ اپنی داخلی حمایت جو ہے کھو چکا تھا، اس کو ملک کے باہر کی ان طاقتوں کی حمایت چاہیے تھی. تو اس کے لیے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا جس دن اس نااہلی کے نااہل شخص کے جماعتی سربراہ ہونے کے قانون کو تبدیل کیا گیا. تو اسی کے سائے میں اس قانون میں بھی بنیادی تبدیلی لائی گئی تاکہ ایک ہی وار میں دو کام ہو سکے، اندر سے اپنے آپ کو دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر بنایا جا سکے، اور ساتھ میں امریکیوں اور برطانویوں کی اور یورپ کی حمایت حاصل کی جا سکے. جب انہوں نے یہ کیا تو اس وقت شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لوگ اس کو فوری طور پر نوٹس کریں گے، پکڑ لیں گے، اور اس کے بعد اس کا رد عمل آئے گا. تو رد عمل تو آیا، رد عمل آیا تو نون لیگ کی حکومت نے کوشش کی کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے بہلایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ ترمیمات واپس دی، لیکن اس کی جو روح تھی وہ اسی طرح سے باقی رکھی. تو لوگ کہہ رہے ہیں اب میڈیا کا دور ہے، شعور کا دور ہے، لوگ بیوقوف نہیں بنتے، ایک دفعہ بیوقوف بن سکتے بار بار نہیں بن سکتے. لہذا لوگ پھر نکل آئے، اور اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے اسلام آباد محاصرے میں ہے، اور اس کے نتیجے میں خود گورنمنٹ کے لیے بھی بڑی بڑی مشکلات جو ہیں وہ پیش آ گئی ہیں، اور ان مشکلات کا گورنمنٹ شکار ہے. تو جو پس منظر ہے وہ بہرحال یہی ہے. اس پس منظر کے تحت قانون کو انہوں نے تبدیل کرنا چاہا، لیکن یہ بات ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور اس وقت جو ہے نہ ان سے اگلتی ہے یہ بات، اگلی جاتی ہے اور نہ ہی نگلی جاتی ہے. اس طرح کی سچویشن کا حکومت جو ہے اس وقت شکار ہے. یہ جو لوگ دھرنے پہ موجود ہیں ظاہر ہے ان کے رویوں سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن ان کا جو نعرہ ہے اس سے کوئی پاکستانی اختلاف نہیں کرتا. رویوں سے اختلاف ہو سکتا ہے،
उनके तरीके कार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनका जो नारा है वो ये है कि भाई आप उन लुटेरों को, उन शराखून मारने वालों को जिन्होंने इस कानून में तब्दीली की, उनको कटहरे में खड़ा करें। और उसमें सबसे पहला नाम वजीर कानून का है। अगर वजीर कानून बेगुनाह है तो अदालत में जाके साबित करे, लेकिन उसके लिए उसको इस्तीफा देना चाहिए। लिहाजा इसी बुनियाद पर ये जो धरनों का सिलसिला है वो जारी है और मुज़ाकरात कभी उम्मीद अफजा होते हैं और कभी जो है मायूस कुन, और लोग इसकी वजह से सफर कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार है। मुझे उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह ताला ये मसला हल होगा, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग ने इस कानून में तब्दीली करके अपने लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है, और उस मसले की वजह से अब आवाम भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर। सही सही। अच्छा क़िबला, थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, और जिस तरह की पूरी सूरत हाल खाली सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं नहीं पूरी मिल्लत इस्लामिया के अंदर एक बेचैनी, एक तश्त खून, एक अफरा तफरी का सा आलम है, तो ये माह मुबारक हमें एक मरतबा फिर जो है वो दर्स देता है कि सीरत नबवी की तरफ जो है वो रुजू किया जाए। तो पूरी सीरत ही आपकी जो है वो बेहतरीन कमालात से भरी हुई है, मगर मैं चाहूँगा कि उसमें से कोई एक नुक्ता निकाल कर हमारे नौजवानों की खिदमत में पेश किया जाए कि अगर उसके ऊपर अमल करें तो ये बेचैनी और इस्तेराब जो है वो उम्मत के अंदर जो एक बढ़ता चला जा रहा है इसमें कमी वाक़ हो। क़िबला, इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए, बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अनबिया को जो मबूस किया है वो इसलिए किया कि इंसानियत को जहल से, गुमराही से और अपने हमलों, अपने जैसे इंसानों की गुलामी से वो अनबिया आकर निजात दिला सके। खातमुल अनबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो तशरीफ लाए तो उन्होंने न सिर्फ जालिमों से इंसानियत को निजात दी बल्कि उन रवियों से और उन तहजीबी कल्चरल उमूर से जो इंसानियत के खिलाफ थे इंसान को निजात दी। बुनियादी तौर पर नबी करीम ने आकर इंसानों के जहनों को चेंज किया और उनको अदल और इंसाफ का वो रास्ता दिखाया जो फितरत इंसानी के बिल्कुल ऐन मुताबिक था। लिहाजा कुरान करीम ने भी जब उसकी तरफ इशारा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को इंसानियत के लिए, मुसलमानों ने इंसानियत के लिए नमूने अमल करार देकर कहा कि इस नबी की सीरत को तुम अगर अपनाओगे तो उसके नतीजे में तुम्हारी दुनिया भी निखर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। लिहाजा फरमाया कि लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसनतुन, यानी बेहतरीन उस्वा और बेहतरीन नमूना। अब वो जो बेहतरीन उस्वा और बेहतरीन नमूना है वो सिर्फ मेहराब इबादत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जाए नमाज नहीं है, बल्कि जिंदगी के वो तमाम उमूर और तमाम पहलू जहां पर नबी करीम की अमली जिंदगी के हवाले से आपको सबक मिलता है, वो तमाम के तमाम पहलू एक इंसान के लिए नमूना है और उसकी बुनियाद पर इंसान अपनी दुनिया को भी बना सकता है और आखिरत को भी। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि इंसानों की, अपने हमलों इंसानों की उबूदियत और बंदगी से इंसान को निकाला जाए और उसको जो है आजाद बना दिया जाए। आज की दुनिया में जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है वो क्या है, वो यही है कि हम दूसरे इंसानों की गुलामी में है, अल्लाह की गुलामी में नहीं है। तो ये जो आज का निजाम है, इंसानों का बनाया हुआ निजाम, वो इंसानों का बनाया हुआ निजाम इंसान को इंसान का गुलाम बनाता है, पैसों की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, हत्या की बुनियाद पर। लिहाजा अगर आज की दुनिया में आपने इंसानी माशरे को निजात दिलाना है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता है जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी में इशारा भी किया, अमल करके बताया भी, और उसको आप सीरत नबवी कहते हैं, हयात तय्यबा कहते हैं, उसवे रसूल कहते हैं। तो इस वक्त जरूरत इस चीज की है, अगर हम इस चीज की तरफ मुतवज्जे हो तो फिर मेरा ख्याल है कोई परेशानी बाकी नहीं रहती। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा अगर गुमराही का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? वजह यह है कि अदबी तौर पर उम्मत नबी करीम का नाम जरूर लेती है, कलिमा जरूर पढ़ती है, लेकिन आपकी जो सीरत है उससे यकसर बेगाना है
और अमली एतबार से कहीं पर भी जब ये कहें कि सीरत का कोई पहलू हमारे मुसलमान मुआशरों के अंदर उनके अमली रवैयों में नजर नहीं आता। लिहाजा आज अगर हमें निजात का रास्ता तलाश करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम किसी भी सूरत में नबी करीम की सीरत को अमली पहलू से अपनाएं और किसी भी सूरत में उसको अपनी अमली जिंदगी में इस तरह से ढाल लें कि हमारा अमल दूसरों को बता सके कि हम नबी करीम के उम्मती हैं। अगर ये हम करने में कामयाब हो गए तो फिर यकीनी तौर पर ये सारी जो मुश्किलात इंसानी माशरे की हैं वो मुश्किलात दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह क़िबला हुज्जत इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना अमीन सुहेली साहब, आपका आपने बेहतरीन मौजू के ऊपर बहुत उम्दा जो है वो गुफ्तगू और इस्तेदलाल पेश किया। हम आपके तहे दिल से मशकूर ममनून हैं। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नाज़रीन आप सुन रहे थे हुज्जत इस्लाम मुस्लिमीन जनाब मौलाना अमीन शहीदी साहब को, आपने बेहतरीन इस्तेदलाल पेश किया। आपने उन वजूहात की तरफ हमारी और हमारे नाज़रीन की तवज्जुहात को मबजूल किया कि क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि हमारी अमली ज़िंदगी में हमारी अमली जो बाकायदा पूरी एक हयात होती है उसके अंदर इज्तमाही तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई पहलू जो है वो नज़र नहीं आता। यही वजह है कि हमारे अंदर जो है क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। भाई भाई से जो है वो लड़ रहा है, मुसलमान एक दूसरे का कश्त खून कर रहे हैं। जितने मुसलमान कशी हुई है वो तमाम मुसलमानों के हाथों से ज़्यादा हुई है। इतने कुफार ने और दूसरे लोगों ने मुसलमानों को कत्ल नहीं किया होगा। अभी आपके सामने शाम का और इराक़ का बैटल मौजूद है। जितने मुसलमानों ने मुसलमानों को कत्ल किया, अगर कहीं मुसलमान सीरत नबी से आशना होते तो क्या वजह थी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ रहा होता या उसके सरों को उनके कलम कर रहा होता। तो एक मरतबा फिर इस माह मुबारक की बरकत से हमें जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए, मुस्तफ़िद होना चाहिए और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को गली गली कूचा कूचा आम करना चाहिए और उनकी सीरत के ऊपर अमली जो है वो इकदाम करने चाहिए, अपनी ज़िंदगियों में उसको अपनाना चाहिए ताकि मुसलमान माशरे के अंदर से ये जो एक बेचैनी और इस्तराब की कैफियत है इसके जो लेवल को डाउन किया जा सके और अमली और हकीकी मानों में एक सच्चा मुसलमान बन के दुनिया के सामने हम प्रेजेंट कर सकें अपने आप को। हमारे पास ब्रेक का वक्त हो रहा है, जाएंगे नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पर। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको शामिल करेंगे, आप हमारे साथ शामिल होंगे और लेते हैं एक छोटा सा वक्त।